आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो लोकप्रिय और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय नेता के रूप में उनके नेतृत्व में भारत का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को हमने मनाने का उनके नेतृत्व में निश्चय किया है और हमारे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से देश भर में अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस पर आयोजित हैं। हमने जंगलों को जीव जंतुओं की रक्षा करना और जितने भी हमें प्रकृति के द्वारा दिया हुआ चीज है प्रकृति रक्षति रक्षिता प्रकृति की रक्षा करो, प्रकृति द्वारा दिए हुए जितने भी वस्तु हैं उन सब की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना। और आज प्रकृति भी आपकी रक्षा करेगी। आज समुद्र किनारे में आकर के जय जगन्नाथ का दर्शन आज करना है। जगन्नाथ भगवान की बड़ी कृपा है जो आज प्रातः काल से ही 5 बजे जागरण करके स्नान आदि करके और हम लोग सारे हमारे सांसद हमारे माननीय सांसद भुवनेश्वर से चल के आए, अपराजिता जी सारंगी और हमारे विधायक वो भी आए, सभी लोग आए और सभी कार्यकर्ता सभी जनता सभी टूरिस्ट सुबह से और लोगों ने चुनने का भी काम किया। यहाँ के बैग्स को भी प्लास्टिक को भी हर प्रकार का समुद्र के अंदर जो गलत चीजें समुद्र को आप दो समुद्र लेती नहीं समुद्र किनारे फेंक देती है, तो सबको चयन भी किया गंदगी को और साथ ही हम लोगों ने यहाँ झाड़ी भी लगाया वृक्ष भी लगाया और उसके बाद अमृत महोत्सव का कार्यक्रम किया। तो अमृत महोत्सव में आप जानते हैं हमने सारी बात बताया है, केवल इतने बताऊंगा कि हिंदुस्तान में विश्व में 10 समुद्र को जो ब्लू टैग मिला है 8 को पहले मिला था 2020 तक हमने 2 सालों में और इस साल 2 ब्लू टैग मिले हैं। तो ये ब्लू टैग इसको मेंटेन करके रखना है, आगे भी हर साल इसका सर्टिफिकेशन होता है, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। 4000 में भारत का 10 समुद्र को ब्लू फ्लैग मिलना प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में ये सबसे बड़ी बात है। और उसके संरक्षण संवर्धन जैसा कि मैंने कहा कि 85% कचरे हमने समुद्र के किनारे से चुनने का काम किया है, प्लास्टिक को हमने लगभग 78% उसमें से प्लास्टिक रहा है जिसको प्लास्टिक का भी चयन किया है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें उसको पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया है भारत सरकार ने, राज्य सरकारें भी आगे बढ़ करके उसमें सहयोग कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से और ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी के द्वारा यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का भी जो काम है वो बहुत बढ़िया है और हर प्रकार से समुद्री को इसको ठीक करना यहाँ की सरकार का आगे हमने मेंटेन करने के लिए उनको दिया है 1700 करोड़ रुपये। 1700 करोड़ रुपये पिछले 10 सालों में 1700 करोड़ जो ICMZM के द्वारा ये पहला फेज में 3 राज्यों को दिए गए थे, उड़ीसा को बंगाल को और गुजरात को, इन 3 राज्यों को समुद्री तट की रक्षा और उसके संरक्षण और संवर्धन उसको पुरस्कृत करने के लिए सौंदर्यीकरण करने के लिए और अभी 5 करोड़ रुपया हम लोगों ने डेढ़ साल तक भारत सरकार के पर्यावरण वन विभाग ने और जलवायु परिवर्तन में जलवायु पर भी इसका बहुत बड़ा असर होता है समुद्र का आप जानते हैं, तो उसमें हम लोगों ने 5 करोड़ खर्च किए थे 1.5 साल में। अब हमने मेंटेनेंस के लिए यहाँ के जो मैनेजमेंट है जो जिसके बीच कमेटी का मैनेजमेंट जिलाधिकारी होते हैं उनको और उड़ीसा सरकार को हैंड ओवर किया है। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ हम लोगों ने जो स्वच्छ सागर स्वच्छता अभियान के साथ साथ
आप सब लोगों के लोगों ने शिरकत किया, जो यहाँ का वन्य प्राणी है, जो समुद्र का प्राणी है, जिसको क्या बोलते हैं, टर्टल्स बोलते हैं, और हम लोग यहाँ की भाषा में कैचो कैचो, हाँ कैचो कैचो को भी हम लोगों ने उसका भी अध्ययन किया, कैसे अंडा देती है, और उसका हजारों में मात्र एक बच पाता है, दूसरे का भक्षण हो जाता है, और उसका 15 साल के बाद ही जो बचता है उसका प्रजनन, फिर मादा जो होता है वो प्रजनन करती है। तो इस सारी जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु है उनका रक्षा करना भी हमारा धर्म है। इन्हीं कर्तव्य के साथ आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को देश भर में हम लोग मना रहे हैं, और आज एक साथ 10 समुद्र तट पर सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग उस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, आप सबको नमस्कार, और उनका दूत बन करके यहाँ मैं आया हूँ। भाई हम लोगों ने उस वायोलेशन का हमारे कई बार पार्लियामेंट में भी आवाज उठती रही है, हमारे माननीय सांसद भी इस बात को कई बार उठाती रही है, तो निश्चित रूप में हम लोग भारत सरकार पर्यावरण वन और हमारे जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से हमने उस पर कार्रवाई भी किया, और हम लगातार उस पर हर तरह से कैसे संरक्षित हो इसका प्रयास हम लोग। पुरी में कब होगा? पुरी में भी किया है, और पुरी में हमारे यहाँ की सरकार ने 3 बीज को उत्साहित होकर के 3 बीज को, या लगभग अगले साल उन्होंने कहा है कि हम 3 बीज को ठीक करेंगे।